वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के 66 डेज के यानी के 66 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में वर्ल्ड वाइड। वेल फ्रेंड्स, एवेंजर्स एंड गेम जैसे आपको पता है इस फ्राइडे उसने अपना री रिलीज लिया। यस फ्रेंड्स, पूरे विश्व भर में बहुत सारे टेरिटरीज में एवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज किया गया विद 8 मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा फुटेज। अनफॉर्चुनेटली वी इंडियंस कुडेंट गेट अ री रिलीज। यस फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में फिल्म को री रिलीज नहीं किया, लेकिन हमारे जो इंडियन चैनल्स है जो बैठ के पायरेसी करके या फिर जो वीडियो क्लिप्स अपलोड किए गए हैं यूट्यूब पे और सिर्फ आर्टिकल्स पढ़ के, दीज जीनियस पीपल हैव रिव्यूड। यस फ्रेंड्स, उन्होंने ये जो सीन्स है एडिड सीन्स उनको रिव्यू भी कर दिया अपने चैनल पे। जस्ट सी द हिपोक्रेसी ऑफ दिस पीपल, जहां पर हमारा देश पायरेसी के इश्यू से इतना झुलझ रहा है। इवन द इंटरनेशनल फिल्म्स आर अफेक्टेड सो मच बाय पायरेसी। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम हैज रिलीज इन चाइना और उसके पायरेटेड प्रिंट्स अभी से ऑनलाइन है, जहां पर इन लोगों को शर्म आनी चाहिए सब चीजें करने के लिए। इनको अपनी ऑडियंस को सिखाना चाहिए कि पायरेसी नहीं करना चाहिए। तो ये महाशय लोग वहां के पायरेसिड प्रिंट्स देखकर, आर्टिकल्स पढ़कर उन सीन्स का रिव्यू कर रहे चैनल पर। जब तक आपने विजुअली उस सीन्स को थिएटर में नहीं देखा है, देन हाउ कैन यू रिव्यू इट ऑन योर चैनल मैन? सीरियसली गाइस, वो कहते हैं ना, यूट्यूब अभी एक बिजनेस बन चुका है जहां पर बस आदमी खोल के बैठ जाए और पैसे छापे बैठ कर। लेकिन गाइस, वो सब साइड में रखते हैं, वो अपना लेना देना नहीं है उनकी जिंदगी, उनको जो करना है करे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि एवेंजर्स एंड गेम अगर इंडिया में रिलीज होती है गाइज, इट हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल टू एड इन अ लॉट ऑफ करोड़ रुपीज। यू गाइज, अब जो 3 दिनों में कमाल हुआ है वो एब्सोल्युटली अमेजिंग हुआ है गाइज। इतना भारी कलेक्शन आया है 3 दिन में। एंड आई थिंक अगर ये फिल्म और चली स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आने के बाद, ऑब्वियसली यूएसए में ये फिल्म ऑलमोस्ट निकल जाएगी, लेकिन उसका क्रेज इसको मिलाकर इसे और स्क्रीन्स मिल सकते हैं गाइस। चले गए, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम ये मैंने आपको बताया था इसके फर्स्ट रन में, यस फ्रेंड्स, जो कि 62 ऑलमोस्ट 63 डेज का इसका फर्स्ट रन था, वहां पर एवेंजर्स एंड गेम एवटार से 249 करोड़ रुपीज दूर थी। अभी एपिसोड इंडिया में आ रहा है तो मैं करोड़ में बताऊंगा, बाद में आपको मिलियन में समझाऊंगा। मैं अभी 249 करोड़ यानी कि लगभग 250 करोड़ दूर थी एवेंजर्स एंड गेम एवटार से। अब बात करते हैं आफ्टर 66 डेज जो कलेक्शन है एवेंजर्स एंड गेम का यानी कि री रिलीज के बाद, वो है 2.765 बिलियन। यस फ्रेंड्स, 2.765 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी के 19,078 करोड़ इज व्हाट एवेंजर्स एंड गेम हैज अर्न इन 66 डेज। अब अवतार का जो अभी के डॉलर के रेट के हिसाब से मैं कलेक्शन बताऊं, 2.788 बिलियन यूएस डॉलर्स का, वो होता है 19,231 करोड़ रुपीज यानी कि 19,231 करोड़। यानी कि जो डिफरेंस था 249 करोड़ का, वो कम होके अभी सिर्फ और सिर्फ 153 करोड़ का हो गया। यस फ्रेंड्स, एवेंजर्स हैज ऑलमोस्ट मैनेज टू अर्न लगभग 96 करोड़ रुपीज इन द लास्ट 3 डेज। तो मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे ऐड होने के बाद नया टोटल आने वाला है कल, जो मैं कल बताऊंगा आपको। सो गाइस, जो मार्जिन था इसके कलेक्शन का वो घटकर बहुत कम हो गया। अभी सिर्फ 150 करोड़ और चाहिए इसको, इसका कलेक्शन तोड़ने के लिए। एंड मार्वल की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इंडिया में, ये तो मार्वल भी जानता है। पहले रन में ऑलमोस्ट इसने 380 करोड़ रुपया नेट कलेक्शन कमाया। अगर ये वापस री रिलीज होती है आई थिंक नेक्स्ट वीक स्पाइडरमैन के साथ, तो गाइस आराम से यहाँ पे 4.5-5-6 करोड़ तो पकड़ के चलो। मार्वल फैंस कुछ भी कर सकते हैं गाइस, दे आर द लिमिट्स, स्काई इज द लिमिट फॉर देम, दे कैन मेक दिस कलेक्शन रियली गो हाई। फिंगर्स क्रॉस गाइस, 150 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन लेट्स सी ये करती है नहीं। फिलहाल 66 डेज के बाद जो गैप है बिटवीन एवटार एंड एवेंजर्स एंड गेम वो है 153 करोड़ रुपीज। वेल फ्रेंड्स, ब्लू रेज आने वाली है अभी इसकी, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ये वीडियो में दिया हूँ, इसको जाके देखो, आपको सब बात चल जाएगा इसके ब्लू रे के बारे में और इसके डिजिटल रिलीज के बारे में। ओके गाइस, आई होप एपिसोड आपको पसंद आया हो। मुझे पता है गाइस, इंडिया में रिलीज नहीं हुई है फिल्म, आई एम फीलिंग बैड, लेकिन अब क्या कर सकते हैं गाइस, जब उनका मन करेगा वो करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया तो ये सारी फुटेज इसके ब्लूरे में रहेगी जहां हम देख सकते हैं। ओके, मैं एंड साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज, सेफ, स्टे कूल मैन।